नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों की। देश में तेजी से बढ़ते कोविड मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा केंद्र सरकार के टॉप अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। बैठक में 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। बैठक में मंत्रियों को जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को सुलझाने को कहा जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री टॉप सरकारी अधिकारियों, दवा निर्माता कंपनियों के अधिकारियों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, थल सेना और वायुसेना प्रमुख सहित अन्य प्रमुख लोगों से वार्ता कर कोरोना की स्थिति पर चर्चा भी कर चुके हैं। गुरुवार को देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 3,80,000 है। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। वहीं सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर रहे कई कर्मियों की मृत्यु को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर जिन अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करे। उन्होंने इसे ट्वीट में आगाह किया कि बीजेपी सरकार सुरक्षा दे, अन्यथा सरकारी कर्मी और शिक्षक मतगणना का बहिष्कार करने पर बाध्य हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान 500 शिक्षकों की मौत होने का दावा करते हुए ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा, यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था तो उन्हें क्यों भेजा। प्रियंका ने कहा, सभी शिक्षकों के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा तथा आश्रितों को नौकरी की मांग का मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ। इस बीच राष्ट्रीय लोक दल के सचिव अनिल दुबे ने भी सरकार से पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण मृतक अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा पत्रकारों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की है। देश में कोरोना वायरस के मामले एक तरफ जहां कम होते नजर नहीं आ रहे, वहीं कई राज्यों में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। कई राज्य सरकारों का कहना है कि 1 मई से उनके यहां वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण शुरू नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से उन्होंने वैक्सीन की किल्लत बताई है। इन राज्यों ने खड़े किए हाथ। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के लिए कंपनी को ऑर्डर दिए थे, लेकिन उनसे संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि 1 मई तक वैक्सीन डोज नहीं हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही टीका उपलब्ध होगा, वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू कर दीजिएगा। वहीं गुजरात में भी हाल कुछ इस तरह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कहना है कि 1 मई से वैक्सीन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक वैक्सीन का पूरा स्टॉक नहीं आया है। वैक्सीनेशन उपलब्ध होने के बाद 18 मई तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। बिहार में भी 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज मिलने के आसार नहीं है, इसमें देरी हो सकती है। बिहार में 1 मई को वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं होगा। दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में भी वैक्सीन की किल्लत है। देश में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो देश में गुरुवार को 24 घंटे में 3,80,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। केस और मौत के मामलों के ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 24 घंटे में कुल 3,89,000 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। देश में फिलहाल 30 लाख से ज्यादा केस हैं जो कि सक्रिय हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी के मामले, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में सूबे में कोरोना से के चलते 771 लोगों की जान चली गई। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 395 लोगों की जान चली गई। यूपी में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सूबे में बीते 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आईपीएल 2021 के 25वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली की 6 मैचों में 5वीं जीत है। इसके साथ ही वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। साथ ही इस मैच में 46 रनों की पारी खेलने वाले शिखर धवन ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दरअसल अब धवन आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोलकाता के खिलाफ धवन जैसे ही 30 रनों पर पहुंचे, उनके नाम ये बड़ा रिकॉर्ड हो गया। धवन के नाम अब आईपीएल के 183 मैचों में 34.86 की औसत से 5,508 रन है।
वो अब आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे पायदान पर आ गए हैं। आईपीएल में धवन के नाम 2 शतक और 43 अर्धशतक हैं। इससे पहले इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुरेश रैना थे। रैना के नाम आईपीएल के 199 मैचों में 33.26 की औसत से 5489 रन थे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली आईपीएल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। किंग कोहली के नाम आईपीएल के 198 मैचों में 37.99 की औसत से 6041 रन हैं। इसके साथ ही धवन ने एक बार फिर ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है। जी हां, सीजन के 7वें मैचों में धवन के नाम 44.43 की औसत से 311 रन हो गए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग के फॉफ टू पैलेस और पैलेसिस के नाम 6 मैचों में 270 रन है। वहीं कोलकाता के खिलाफ 42 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए पृथ्वी शॉ 259 रनों के साथ इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।